ओके, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर एक वायर है सर्कुलर शेप में, जैसे कि रिंग होता है, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और लेट कर लेते हैं कि उसका रेडियस ऑफ रिंग आर है और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे बनती है, उसका हमने फार्मूला थ्रू डेरिवेशन किया था कि वो फार्मूला बराबर होता है बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये हमने थ्रू डेरिवेशन फार्मूला डिराइव किया था। अब आज सबसे पहले हम इसको एक स्पेशल केस में स्टडी करते हैं। 2 फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वायर, कि हम एग्जैक्टली सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये एक्सियल लाइन पे एक्सप्रेशन है उसमें पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेटा से हम इसे इक्वेशन वन क्या देते हैं इन इक्वेशन वन, क्योंकि जैसे ही एक्स जीरो आएगा तो हम सेंटर ऑफ कॉइल पे पहुंच जाएंगे। तो सेंटर पे निकालने के लिए हम एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई आई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर की पावर 3/2। तो बी सेंटर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वेयर, नीचे आर स्क्वेयर की पावर 3/2, आर की पावर 3 हो जाएगा। ये आर स्क्वेयर आर की पावर 3 की 2 पावर को कट कर देगा, 1 पावर रह जाएगी नीचे। तो ये अल्टीमेटली हमने एक सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड का भी फार्मूले की तरह भी एक्ट होगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, बी सेंटर पे इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। तो ये अपने आप में एक फार्मूले की तरह एक्ट करता है। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो होती है म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाय आर। तो ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए, बी एक्सियल पे भी बी सेंटर पे भी, एनसीईआरटी की नॉलेज है। अब हम इन दोनों फार्मूलों को यूज कर सकते हैं फॉर एन टर्न्स ऑफ द कॉइल, क्योंकि कई बार इस सर्कुलर कॉइल का 1 टर्न नहीं होता, हम उसके एन टर्न्स कर देते हैं, कि हम सर्कुलर शेप में ही कॉइल के कॉपर कॉइल के ऐसे टर्न करने स्टार्ट कर देते हैं, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 5 टर्न। तो बस आपने इन दोनों फार्मूलों में ऊपर कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर एन टर्न के लिए फार्मूला लिखना है एक्सियल लाइन पे, तो हो जाएगा 2 पाई एन आई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। और अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है तो उसका फार्मूला निकला है, तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर। तो हमने जो एक्सियल और सेंटर का फार्मूला अभी ऊपर लिखा है इक्वेशन 1 और 2 में, बस उसमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सर्कुलर कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका हम एक और केस डिस्कस करते हैं। कई बार हमारी जो वायर होती है वो सेमी सर्कुलर होती है, यानी कि ऐसे कंप्लीट सर्कल नहीं होती है, सेमी सर्कल होती है,
तो मान लो हमारी कॉपर की जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो सेमी सर्कुलर शेप में है या ई करंट फ्लो हो रहा है, और एग्जामिनर हमें उसके भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, इस सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस आ रहा है। तो आपको अगर सेमी सर्कुलर वायर है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्योंकि हमें सेंटर पे हमने एंगल 2 पाई लिया था लेकिन सेमी सर्कुलर का ये वाला एंगल पाई बनता है, तो हम इसका एंगल पाई कर देंगे, या ऐसे करो कि आप हाफ द वैल्यू ऑफ कंप्लीट सर्कल कर दो। अब कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा है 2 पाई NI/R, और हमने उसका हाफ कर दिया क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ से सेमी सर्कुलर वायर का भी के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बना सकते हैं, बस उसका सेंटर पे जो कंप्लीट सर्कल के सेंटर का है उसका हाफ कर देना। एक और बात कि कई बार वायर एक आर्क होता है, ना सेमी सर्कुलर होता है ना सर्कल होता है, बट उसका एक आर्क होता है। तो मान लो वायर का एक सेगमेंट है आर्क की शेप में, और अगेन हेलो हेलो, हेलो, आयशा मैं बात कर रही हूँ, कहाँ से मैडम तीस 5 फेज से। तो आपने जी बोलिए। ऑनलाइन ऑर्डर किया है ना? हाँ हाँ जी, क्या चीज़, फूड वगैरह कुछ ऑर्डर किए? जी हाँ जी। हाँ जी बताइए। सर उसमें ना हमारे पास ना अभी गाली बट चीज नहीं है राउंड वाली, तो मैं उसकी जगह पे ना सेम प्राइस की है वो चीजें स्टिक में रखूंगी। हाँ मैडम 2 मिनट होल्ड कीजिए, जिन्होंने ऑर्डर किया ना मैं उन्हें फोन दे देता हूँ, फिर वो आपको बता देंगे। ओके सर, और लोकेशन भी सेंड कर देना प्लीज। हाँ मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था कि ये मान लो एक लेंथ ऑफ आर्क है सर्कुलर वायर में, और वो थीटा एंगल बना रहा है, और हमें अगेन उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क है तो हम फार्मूला यूज करेंगे म्यू नोट बाय 4 पाई I/R इंटू थीटा। थीटा जितना एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, ये वाली वैल्यू एग्जामिनर देगा, राइट? तो ये सारी नॉलेज आपको याद रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 4.17 इसी नॉलेज पे बेस। द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.5 × 10 की पावर -4 टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पे दी हुई है 0.5 × 10 की पावर -4 टेस्ला, और हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप एट अ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है
ये सर्कुलर लूप के एक ऐसे पॉइंट पर जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, राइट? तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती है म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई I/R, ये फार्मूला होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का, जिसकी वैल्यू ये गिवन है। और हमें एक्सियल लाइन पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पता है कि जो बी एक्सियल होता है वो होता है म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई I R² / R² + X² की पावर 3/2, राइट? तो ये हमें इन दोनों के फार्मूले पता हैं, तो मैंने वो फार्मूले लगा दिए। अब मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में है बी एक्सियल, जो हमें फाइंड करना है, और इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में है 0.5 × 10 की पावर -4। इक्वेशन 2 के राइट साइड में है म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई I R² / R² + X² की पावर 3/2, और इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा लिखते वक्त, 4 पाई R ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 2 पाई I। तो ये मैंने इक्वेशन 2 के रिजल्ट को इक्वेशन 1 के रिजल्ट से डिवाइड कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, 2 पाई I से 2 पाई I कैंसिल हो रहा है, तो बहुत कुछ कैंसिल हो गया। ऊपर रह गया R³, क्योंकि R² R से इंटू हो जाएगा, और नीचे रह गया R² + X² की पावर 3/2। तो ये बराबर आ गया बी एक्सियल ओवर 0.5 × 10 की पावर -4। अब आर हमें रेडियस ऑफ लूप दिया हुआ है, हमें आर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हम यहाँ से R² + X² की पावर ½ निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12² + 5² का अंडर रूट। ये एक्चुअली 12² 144, 5² 25, 169 का अंडर रूट, पूरा पूरा 13 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसे थोड़ा सा इस नॉलेज को सॉल्व करके ये लिख लेते हैं। अब R³ हमारा R³ मतलब 12 सेंटीमीटर की पावर 3, और R² + X² की पावर ½ 13 सेंटीमीटर आया, तो वो 13 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हम बहुत क्लोज हैं आंसर के, तो हमें बी एक्सियल निकालना है। 12 का क्यूब मतलब हम 12 को 3 बार लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। नीचे 13 का क्यूब, हम 13 को भी 3 टाइम लिख लेते हैं अगर हम अभी क्यूब नहीं करना चाहते, और 0.5 × 10 की पावर -4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3.9 × 10 की पावर -5 टेस्ला। तो इस तरह से हमने इस दोनों जो हमारे फार्मूले हैं एक्सियल लाइन और सेंटर पे, हमने उसे देख लिया, और ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ओके, इसी नॉलेज पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 4.9। इसमें क्या कह रहा है, अ करंट पाथ शेप्ड एज शोन इन फिगर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एट पी द सेंटर ऑफ द आर्क इफ द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द आर्क इज 0.6 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट पी इफ द करंट इज 3 एम्पीयर। तो आपको ये एक वायर नजर आ रही है ए से सी,
फिर सी से डी एक आर्क की फॉर्म में मुड़ी हुई, और फिर डी से ई, और हमें इस आर्क के सेंटर पी पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस करंट फ्लो होने के कारण वो फाइंड करना है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड सेगमेंट एसी के कारण होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड सेगमेंट डीई के कारण होगी, वो दोनों जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कि जो पी पॉइंट है वो एसी और डीई के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब उस वायर से ही पास कर रहा है वो लाइंस। तो मैंने बताया था कि अगर एक्सियल लाइन पे वायर के पॉइंट होता है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं बनाते, जीरो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एसी और डीई सेगमेंट नहीं बनाएंगे पी पॉइंट पर, तो इसका मतलब सिर्फ सीडी बनाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड सीडी जो कि एक आर्क है, अब हमने फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एक आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसके सेंटर पे, उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय आर इंटू थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल है, राइट, जो वो सेंटर पे बना रहा है, आई करंट है, आर रेडियस है। अब देखा जाए तो सारी वैल्यू गिवन है। म्यू नोट बाय 4 पाई की टोटल वैल्यू होती है 10 की पावर -7, आई हमें गिवन है 3 एम्पियर, और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 0.6 मीटर थीटा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो थीटा 30 डिग्री गिवन है, एक्चुअली उसे 30 डिग्री नहीं पुट करना, पाई बाय 6 रेडियन पुट करना है। क्यों? क्योंकि जो थीटा का ऐसा यूनिट है फिजिक्स में वो पाई बाय 6 है, मतलब पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 रेडियन लिखेंगे, तो हमें ऐसा यूनिट वाली वैल्यू यूज करनी है। अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व कर लें पाई को 3.14 या 22/7 लेकर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.6 × 10 की पावर -7 टेस्ला। तो यही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, क्योंकि एसी और डीई तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर नहीं रहे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4.10। उसमें क्या कह रहा है? फिगर शोज अ करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क्स जॉइन बाय टू रेडियल लाइंस। तो आपको जो वायर है वो ऐसे शेप की है, ए बी सी डी ए वो फिगर में नजर आ रहा है, और इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई इस डायरेक्शन में। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ओ। तो जो भी सेंटर ओ पे ये पूरी वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी उसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है। हमें ये वाला एंगल थीटा गिवन है, और ओ से बी की वैल्यू ए है और ओ से सी की वैल्यू बी है। अब सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड ए डी सेगमेंट की है और बी सी सेगमेंट की है वो जीरो हो जाएगी। रीजन वही पहले क्वेश्चन की तरह है कि ए डी जो ओ पॉइंट है वो ए डी लाइन से ही ज्वाइन करने पर मिल रहा है, मतलब उस वायर के सेगमेंट के एक्सियल लाइन पे प्रेजेंट है, और ओ पॉइंट बी सी के भी एक्सियल लाइन पे प्रेजेंट है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे। अब बचे ए बी आर्क और डी सी आर्क। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी जो कि एक आर्क है उसके कारण निकालेंगे सेंटर पे। अब किसी भी आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका फार्मूला है म्यू नोट बाय 4 पाई I बाय आर, आई बाय आर। अब ए बी का जो रेडियस है वो ए है और एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगी म्यू नोट बाय 4 पाई I बाय a इंटू थीटा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी देखना है, तो आप थंब की तरफ अपने राइट हैंड थंब को करंट की तरफ मोड़ कर देखो ए बी आर्क में, तो हमारी फिंगर्स ओ पॉइंट पर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनेगी, मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड सी डी आर्क के कारण भी निकालेंगे उसके सेंटर पे, जो कि ऑफ कोर्स ओ पॉइंट ही है। सेम ही फार्मूले से
बस उसका रेडियस बी हो जाएगा, तो आई बाय बी इंटू थीटा। और अगर ओ पॉइंट पर हम उसकी डायरेक्शन निकालें तो वो डॉट बनेगा, तो एक क्रॉस बनेगा एक डॉट बनेगा। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ विल बी, अब जो टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे बनेगी वो वेक्टर सम होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी आर्क प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी आर्क, क्योंकि ए डी और बी सी की तो वैसे ही जीरो है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब ए बी की क्रॉस बन रहा है, लेट अस सी हम क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को प्लस साइन के साथ लिखेंगे, तो हमें जो सी डी है उसको माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, तो ये हम उसे माइनस साइन के साथ लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो म्यू नोट बाय 4 पाई आई इंटू थीटा, ये सब कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई थीटा, ए बी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा बी माइनस ए, और ओवरऑल आंसर प्लस आ रहा है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही बनेगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि इस वायर के कारण जो सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितने वैल्यू की होगी, म्यू नोट बाय 4 पाई आई थीटा बी माइनस ए ओवर ए बी, और उसकी डायरेक्शन होगी क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको फार्मूले याद हो और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल 4.11, उसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इन द फॉलोइंग केसेस। आपको तीन फिगर दिखाई गई हैं 1, 2 एंड 3, और इन तीनों केसेस में जो भी ये वायर्स दिखाई गई हैं हमें उन वायर्स के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड ओ पे बनेगी वो निकालनी है। तो हम पहले पहली फिगर को देखते हैं। अब ध्यान से अगर हम पहली फिगर को देखें तो एक ये ब्रेक लाइन मतलब ये एक बहुत लंबी वायर आ रही है और ये यहाँ पे आकर ऐसे एक सेमी सर्कुलर बैंड में बदल गई और फिर स्ट्रेट होकर चली गई। तो हम मान लो इस वायर के जो अलग अलग सेगमेंट है उन्हें कुछ नाम दे देते हैं, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, ये क्यू से आर मुड़ा हुआ और आर से एस। अब मैग्नेटिक फील्ड जो पी क्यू सेगमेंट के कारण होगी और जो आर एस सेगमेंट के कारण होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि जो ओ पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो पी क्यू और आर एस के वायर के एक्सियल लाइन से पास कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगी वो क्यू आर जो एक सेमी सर्कल है केवल उसके कारण ही बनेगी, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एक सेमी सर्कल के कारण जो उसके सेंटर पे बनती है उसका फार्मूला लगाना था। अब किसी भी सेमी सर्कुलर वायर के मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे बनती है वो होती है म्यू नोट बाय 4 पाई पाई आई बाय आर, आर मतलब रेडियस, लेकिन यहाँ फिगर में रेडियस को ए लेने को बोला है, तो ये आ जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू पाई आई बाय ए। और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो वही राइट हैंड थंब रूल से, अगर हम सेमी सर्कुलर वायर में थंब को करंट की तरफ को मोड़ें तो ओ पॉइंट पे हमारी फिंगर्स की टिप्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएंगी तो क्रॉस बनेगी। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर बनाएगा सेंटर ओ पे वो इतनी वैल्यू का बनाएगा, और क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर उसकी डायरेक्शन होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अब अगर हम सेकंड फिगर को भी ध्यान से देखें तो पहले इसके भी हम वायर के
के सेगमेंट्स को नाम दे देते हैं, पी से क्यू, क्यू से आर एक सेमी सर्कल, और आर से एस फिर से एक स्ट्रेट वायर। तो सेकंड फिगर को ध्यान से देखने से पता लग रहा है कि एक स्ट्रेट वायर इनफिनाइट लॉन्ग आ रही है। पहले वो पी से क्यू स्ट्रेट रहती है, फिर वो वायर क्यू से आर मुड़ जाती है सेमी सर्कुलर पाथ में, और फिर आर से एस स्ट्रेट हो जाती है। तो हमें इस पूरी वायर के कारण जो भी सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालनी है। अब हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू पे निकालते हैं, पी क्यू वायर के कारण। अब पी क्यू एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, और जो ओ पॉइंट है वो क्यू पॉइंट यानी कि उस वायर लंबी वायर के एंड पे प्रेजेंट है। तो किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के एक एंड पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसका फार्मूला होता है म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर। ये सिंपल फार्मूला होता है। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज करके पी क्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें वो हो जाएगी म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए, क्योंकि रेडियस को ए लेने को बोला है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो डॉट बनेगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये हमेशा आप कभी भी राइट हैंड थंब रूल लगाकर देख सकते हैं। अब जैसे हमने पी क्यू के कारण निकाला है, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर के कारण निकालेंगे। जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है क्यू आर एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो हमें सेमी सर्कुलर के सेंटर पे निकालना है। उसका फार्मूला होता है म्यू नोट बाय 4 पाई, सेमी सर्कल में एंगल पाई बनता है, पाई आई बाय आर, आर यहाँ पे ए है, पाई आई बाय ए। और इसकी भी डायरेक्शन की बात करें तो ये डॉट बने। अब रह गया हमारा तीसरा टुकड़ा जो कि है आर एस। तो आर एस फिर एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, और ओ पॉइंट भी उसके एक एंड पे प्रेजेंट है, तो हमें एंड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए। और इसकी भी डायरेक्शन की बात करें तो ये भी डॉट ही होगा। तो तीनों आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होंगे, मतलब डॉट बनाएंगे। सो बी नेट, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे होगी वो इन तीनों का वेक्टर सम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर एस। अब तीनों डॉट हैं तो लेटर से मैं तीनों को प्लस साइन ले लेता हूँ, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है तो वेक्टोरियली ऐड हो जाएगा। तो ये पी क्यू का आंसर हो गया, ये क्यू आर का आंसर हो गया, और ये आर एस का आंसर। और तीनों प्लस क्यू ले रहे हैं मैंने अभी बताया, क्योंकि तीनों डॉट हैं, अगर एक क्रॉस होता तो उसे फिर माइनस लेना होता। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए कॉमन आ रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण बनेगी सेंटर ओ पे वो किसके बराबर होगी, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए ब्रैकेट में 2 प्लस पाई। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, इसको भी अच्छे से देख लेना। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को मैं दोबारा से आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ। उसमें हमें वायर की जो शेप है वो ऐसे दी हुई थी, तो एक इनफाइनाइट वायर आ रही थी, फिर ऐसे बेंड था सेमी सर्कुलर, और फिर वायर स्ट्रेट हो गई थी, और हमें उसके भी सेंटर पे निकालनी है। इसका रेडियस ए दिया हुआ था और करंट की डायरेक्शन दी हुई थी हमें ऐसे। हाँ जी, तो ये
अब इसको भी हम नाम दे देते हैं, मान लो ये वाला पी क्यू पार्ट है, ये मुड़ा हुआ क्यू आर है और ये आर एस है। अब थर्ड फिगर में मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू के कारण जीरो हो जाएगी ओ पॉइंट पर, क्योंकि जो पी क्यू वायर है उसके एक्सियल लाइन पे ओ पॉइंट प्रेजेंट है, तो वो जीरो होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर के कारण हो जाएगा, जो कि एक सेमी सर्कल है और हमें उसके सेंटर पे निकालना है, तो वो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई। सेमी सर्कल का एंगल पाई बनता है, पाई आई बाय आर। और अगर हम थंब रूल से डायरेक्शन देखें तो डॉट बनेगा। अब आर एस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब क्योंकि आर एस एक इनफाइनाइट स्टेट वायर है और हमें उसके एक वन एंड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि जो ओ पॉइंट है वो उस इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे प्रेजेंट है, तो हमारा फार्मूला होगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय जो डिस्टेंस होगा उसका ओ पॉइंट तक ए। और अगर हम इसकी भी डायरेक्शन निकाल लें तो ये भी डॉट ही बनेगा। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया और दो का ये हो गया डॉट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा, पी क्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर एस। तो ये हो गया जीरो प्लस, और दोनों को प्लस लेंगे क्योंकि दोनों डॉट बना रहे हैं, तो ऐड हो जाएंगे वेक्टोरियली। यहाँ पे करेक्शन की रेडियस को हमें ए लेना है, क्योंकि रेडियस ए के बराबर गिवन है, तो यहाँ हम रेडियस के जगह पर ए यूज करें। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा पाई प्लस वन और ये डॉट बनाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये वायर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे बनाएगी वो इतने वैल्यू की बनाएगी। आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से देख लेना। ओके, तो आज की क्लास का एक और एग्जांपल लेते हैं, 4.12। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें भी वही करना है जो पिछले एग्जांपल में करना था। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको अलग अलग शेप की वायर्स दिखाई गई हैं जिनमें से करंट फ्लो हो रहा है, और अगेन आपको उनके सेंटर ओ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो फाइंड करनी है। तो लेट अस से हम इन वायर्स को, पार्ट्स को, सेगमेंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में हम इसे पी पॉइंट क्या देते हैं, इसे क्यू, ये क्यू से आर सेमी सर्कुलर, फिर आर से एस। अब फर्स्ट फिगर में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो पी क्यू वायर सेगमेंट के कारण हो जाएगी और जो आर एस वायर सेगमेंट के कारण हो जाएगी, वो दोनों जीरो हो जाएंगे। कारण वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से फिगर को देखो तो ओ पॉइंट उन दोनों वायर के एक्सियल लाइन पे प्रेजेंट है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्यू आर पार्ट है, जो कि एक सेमी सर्कल है, तो हमें उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई, जो एंगल बनाता है सेमी सर्कल दैट इज 2 पाई, सॉरी सेमी सर्कुल एंगल पाई बनाएगा सेंटर पे, पूरा सर्कल 2 पाई बनाता है, तो पाई आई बाय उसका रेडियस। अब क्यू आर का रेडियस को आर टू लेने को बोला है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डॉट होगी। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सेमी सर्कुलर पोर्शन के कारण बना लेते हैं, एस पी, जो एक छोटा सेमी सर्कल ऊपर बन रहा है, आप फर्स्ट फिगर को देख सकते हैं। तो वो भी अपने सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, म्यू नोड बाय 4 पाई, सेमी सर्कल का एंगल पाई बाय आई इंटू उसका रेडियस आर वन, और ये भी डॉट ही बनाएगा। तो इस फर्स्ट फिगर में चार सेगमेंट्स हैं जिसमें दो के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और दो के कारण डॉट बन रही है, तो हम
इनको ऐड मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन सबको ऐड कर देते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बाय पी क्यू पार्ट मैग्नेटिक फील्ड बाय क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। अब पी क्यू की जीरो है, क्यू आर की हमने निकाली है म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई आई बाय आर टू, आर एस की फिर से जीरो है और एस पी की भी हमने म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई आई बाय आर। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू पाई आई कॉमन आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2। इसे फर्दर पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 और यहाँ से R1 R2 LCM आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट की फिगर एक बार फिर से मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में जो फिगर थी वो ऐसे थी वायर की, तो वायर इस शेप में है, ये रेडियस R1 गिवन है और ये रेडियस R2 गिवन है और करंट की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, तो ऐसे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन। अगेन इसको भी हम नाम दे देते हैं, मान लो ये P है, ये Q है, ये Q से R है, ये R से S है। तो अगेन अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो पी क्यू सेगमेंट की होगी और जो आर एस सेगमेंट की है वो फिर से जीरो हो जाएगी सेम रीजन से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर के कारण जो कि एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो हमें उसके सेमी सर्कल के सेंटर पे निकालनी है, तो हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू जो एंगल बना रहा था सेमी सर्कल पाई आई बाय उसका रेडियस R1 और ये क्रॉस बनेगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड SP के कारण निकाल लेंगे, SP भी एक सेमी सर्कल है बिगर रेडियस का, वो आप फिगर में देख सकते हो, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई बाय उसका रेडियस R2 और सेंटर में ये डॉट बनेगी, तो एक क्रॉस बन रही है और दूसरे की डॉट बन रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर इन चारों का वेक्टर सम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर एस प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पी पार्ट। तो फिर से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लो क्रॉस वाले को मैं प्लस वैल्यू लूंगा तो मेरे को SP वाले को माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान से देखना है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आप बेशक पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हो, म्यू नॉट आई म्यू नॉट बाय 4 आई म्यू नॉट आई बाय 4 R2 माइनस R1 ओवर R2 R1। अब क्योंकि R2 R1 से बड़ा है तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्रॉस की नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बनेगी क्योंकि हमने क्रॉस को प्लस लिया है और डॉट को माइनस लिया था, ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के कैसे फिगर थी इसको भी एक बार फिर से मैं इधर आपको लिए बना देता हूँ। तो उसके अंदर एक ऐसे वायर की शेप थी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ध्यान से करना है। अब इस वायर में भी ऐसे करंट आई एंटर कर रहा है और इस पाथ से फ्लो करता हुआ यहाँ पे बाहर जा रहा
इसके रेडियस को आर लेना था, और अगेन हमें इस वायर के कारण, वायर शेप के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटरों पे निकालनी है वो निकालनी है। अब ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो आप इन वायर को भी नाम दे दो। मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पी क्यू है, फिर ये क्यू से आर तक एक सर्कल का लगभग 3/4 हिस्सा है और ये आर एस है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी क्यू वो जीरो हो जाएगी सेंटर ओ पे, क्योंकि वो एक्सियल लाइन पे है। अब मैग्नेटिक फील्ड से जो क्यू से आर है वो एक 3/4 ऑफ सर्कल है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर्कल के 3/4 बन रहा है, तो सर्कल पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा होता है। अब थीटा ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये भी पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 3 पाई बाय 2 ये टोटल एंगल बनाएगा सेंटर पे। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल से ये डॉट बनेगा। अब रह गया आर एस टुकड़ा। आर एस एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है और ओ पॉइंट उस वायर के एक वन एंड पे प्रेजेंट है, तो हमें पता है किसी एक एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय जो डिस्टेंस होता है, यानी कि रेडियस आर। और अगर इसकी भी डायरेक्शन देखें तो ये भी डॉट बनेगा, यानी कि दोनों डॉट बन रहे हैं। इसका मतलब हम दोनों को प्लस ले सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैसे ही पहले क्वेश्चंस की तरह हम इन तीनों का वेक्टर सम ले लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, तो इनको ऐड कर देते हैं, ये जीरो प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 3 पाई बाय 2 प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। ठीक है, रेडियस को कैपिटल लेटर आर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो हम रेडियस को कैपिटल लेटर आर लिखेंगे। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉमन लेकर, और चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 LCM आ जाएगा 3 पाई प्लस 2 बाय 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा और ये डॉट बनेगा। तो आप डॉट भी लगा सकते हो आंसर में कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने दोनों फाइंड कर लिए कि मैग्नेटिक फील्ड इतने वैल्यू का बनाएगा और आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग शेप से निकाल सकते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए इनको भी अच्छे से समझ लेना, देख लेना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।